जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने एकमात्र भरोसेमंद YouTube चैनल में। साथियों, आर्मी हेडक्वार्टर ने सभी को एक एडवाइजरी, जिसे हम लेटर भी कह सकते हैं, ये जारी करके कहा है कि अगले महीने 4.5 लाख पेंशन भोगियों की पेंशन बंद हो सकती है। इसके लिए कुछ एक जरूरी दिशा निर्देश और हिदायतें जारी की है, उनको हमें समझना बहुत ही जरूरी है कि ये कौन से पेंशनर्स हैं जिनकी पेंशन बंद हो सकती है और बंद होने से बचने के लिए क्या करना होगा। ये लेटर आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 18 जनवरी 2023 को जारी किया गया है। लेटर आर्मी हेडक्वार्टर के एजी ब्रांच से जारी हुआ है, MP8 से, और ये सभी कमांड हेडक्वार्टर, ECHS, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, DIAV और पूरे इंडियन आर्मी के रिकॉर्ड ऑफिसर्स को भेजा गया है। इसका सब्जेक्ट है सबमिशन ऑफ एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट्स बाय पेंशनर्स। आगे इसमें कहा गया है, इट इज मेंशनड दैट सबमिशन ऑफ एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट्स बाय पेंशनर्स हैज इमर्ज एज ए मेजर चैलेंज आफ्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्पर्श। यानी स्पर्श के आने के बाद पेंशनर्स द्वारा अपना एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट अपने PDA को जमा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। अप्रोक्स 4.5 लाख पेंशनर्स आर येट टू सबमिट देयर लाइफ सर्टिफिकेट। लगभग 4.5 लाख स्पर्श पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको अभी भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है। इन केस द सेम इज नॉट सबमिटेड बाय 20 फरवरी 2023, रेमिटेंस ऑफ मंथली पेंशन माइट गेट अफेक्टेड। यदि ये पेंशनर्स 20 फरवरी 2023 तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करते हैं तो इनकी पेंशन के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, यानी पेंशन बंद हो सकती है। टू फैसिलिटेट पेंशनर्स, PCDA पेंशन प्रयागराज हैज मेड अरेंजमेंट्स टू ऑब्टेन लाइफ सर्टिफिकेट्स थ्रू बैंक्स फॉर इंपोर्टिंग इनटू स्पर्श। यानी स्मूथ तरीके से आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा हो, इसके लिए PCDA पेंशन प्रयागराज ने यह सुविधा की है कि आप बैंकों में भी जाके अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। ये लाइफ सर्टिफिकेट है जो बैंकों से PCDA द्वारा मंगवाया जाएगा और स्पर्श में इंपोर्ट कर दिया जाएगा। इन दिस कनेक्शन ए कॉपी ऑफ PCDA पेंशन लेटर, आप सभी को पता है कि 13 अक्टूबर 2022 को PCDA ने एक लेटर जारी किया था कि आप सब लोग बैंकों में भी जाके अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। बैंकें कंसोलिडेटेड लिस्ट है जो PCDA पेंशन प्रयागराज को भेज देंगी, जिससे आपका इस बार लाइफ सर्टिफिकेट एक्सेप्ट हो जाएगा। पेंशनर्स में प्लीज बी एडवाइज टू विजिट बैंक्स एंड सबमिट दियर सर्टिफिकेट एज वाज बीइंग डन बिफोर। इसलिए आप सबको आर्मी हेडक्वार्टर की ओर से हिदायत दी जाती है कि आप बैंक में जाए और स्पर्श के आने से पहले जिस तरीके से आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर रहे थे, उसी तरीके से अपना लाइफ सर्टिफिकेट बैंक में जमा कर दें। अब आगे सभी जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड, कैंटीन, ECHS, पॉलीक्लिनिक और एक्सर्विसमैन सेल को कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस एडवाइजरी के बारे में एक्सर्विसमैन को जागरूक करें, उन्हें बताएं, ताकि उनकी पेंशन सुचारू रूप से चलती रहे, बंद ना हो। तो साथियों, ये थी आपके लिए आर्मी हेडक्वार्टर की ओर से एक हिदायत। तो इस अलर्ट के बाद जो 4.5 लाख डिफेंस पेंशनर्स हैं, वो पहले PCDA पेंशन प्रयागराज की वेबसाइट पे जाके अपने लाइफ सर्टिफिकेट की स्थिति चेक कर लें। यदि वहाँ पे सक्सेसफुल सबमिट दिखा रहा है तो एक बार स्पर्श में लॉगिन करके वहाँ पे आप नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट चेक करते हुए, यदि ये 2023 की है, यानी एक साल आगे आपकी बढ़ चुकी है, तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो आप समय रहते अपना लाइफ सर्टिफिकेट दोबारा से बैंक में जाके जमा कर दें। इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। इस वीडियो को लाइक करके आप शेयर जरूर कर सकते हैं ताकि सभी पेंशनर्स को इस एडवाइजरी के बारे में जानकारी मिल सके। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।